सब्सक्राइब कीजिए डिजाइन क्राफ्ट योगिता चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम आप लोगों को ये नायलॉन स्टॉकिंग क्लोथ से एप्पल और एप्पल का पेड़ बनाना सिखाएंगे। मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मैं ये नायलॉन स्टॉकिंग क्लोथ से एप्पल का पेड़ बनाना सिखाऊँ। तो सबसे पहले हमने ये स्टॉकिंग क्लोथ लेके इसमें हमने बीचों बीच गांठ लगा ली है, और ये हमारे पास पुराने तकिए का रुई पड़ी थी, ये हमने पुराने तकिए में से निकाल ली है और इसको इस तरह से खोल लिया है थोड़ा थोड़ा, और हम इसको ये एक साइड में डाल देंगे। हमने इसको एक साइड डाल दिया, लेकिन ये थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है, जिससे कि ये एप्पल जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको ये इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है हम इसको ऐसे ऊपर से चढ़ा देंगे, तो ये जो रुई का कलर है वो ढक जाएगा और इस तरह से ये एप्पल जैसा कलर आ जाएगा। इसमें आप कोई भी कलर का बना सकते हैं, शो पीस के लिए आप कोई भी कलर का क्लोथ ले सकते हैं एप्पल बनाने के लिए। तो हमने इसको इस तरह से डबल कर लिया और ये देखिए रुई का कलर नहीं दिख रहा है। अब हम इस तरह की ये प्लास्टिक लेंगे, अगर आपके पास ये प्लास्टिक नहीं है तो आप वायर, हल्का वाला वायर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसको हम ऐसे डाल देंगे इसके अंदर और ये धागे से एकदम कस के गांठ लगा लेंगे। इसको हमने काफ़ी अच्छे से टाइट करके गांठ लगा ली है और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको काट लेंगे। अब हम इसको बीचों बीच सुई डाल के और यहाँ पीछे भी हम एकदम बीचों बीच में निकालेंगे, जहाँ पे हमारे ये गांठ का निशान आ रहा है, और इसको धागे को एकदम टाइट खींचेंगे और इधर बीचों बीच निकाल लेंगे। हम इसको एकदम टाइट सिलेंगे, जिससे कि ये एप्पल जैसा शेप बन जाए। अब हमारे पास ये कुछ पत्तियाँ पड़ी थी, आप चाहे तो इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास कोई टूटा हुआ गुलदस्ता पड़ा है तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। मैंने ये इसको ऐसे लगा लिया और ये हमारा एप्पल बन गया है। अब हम ये वायर लेंगे, इस तरह का वायर है ये, और इस पर हमने ये ऊन लपेटी हुई है, देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इसकी ऊन की जगह टेप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, टेप या रिबन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं आप। ग्रीन टेप से जल्दी काम हो जाएगा आपका। अब हम ये इसमें एक पत्ती डाल देंगे, जिससे कि ये अच्छा लगे। इसी तरह से हमने ये काफ़ी डंडियाँ बना ली हैं, हमें जितने एप्पल बनाने हैं हम उतनी ये डंडियाँ तैयार कर लेंगे, और इसको एक वायर से ऐसे लपेट देंगे और इसको पॉट में लगा लेंगे। मैंने पॉट बनाने की भी काफ़ी वीडियोस अपने चैनल में डाली हुई हैं, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पॉट बनाने की लिंक। ये हम इसको इस तरह से टहनी पे बांध लेंगे, या फिर आप इनको पत्तियों को लगाने से पहले एप्पल लगा लें, फिर उसके बाद सभी पत्तियों को एक जगह कर लें। हम एक के बाद एक ऐसे ही ये एप्पल लगा लेंगे, ये देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं सभी, और ये हमारा ये एप्पल ट्री बनके तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर